मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में सोमवार को भाग लिया। इस अवसर पर शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस पर कथा व्यास पंडित बालक दास व्यासपीठ से कहा कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। उसमें भी यदि शिवावतारी भगवान गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखनाथ मंदिर में अवसर प्राप्त हो तो महान सौभाग्य की बात है। यह भूमि भगवान के रज से पवित्र होकर तीर्थ बना है। गोरखपीठ शिव भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ है। कथा व्यास ने कहा कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। शिव का वास होने के कारण ही काशी मोक्ष नगरी बनी। काशी में प्राण त्याग होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धरती पर ब्रह्मा की सृष्टि से इतर भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर 5 कोस की काशी नगरी बसाई है, जहां वे नित्य निवास करते हैं। भगवान शिव परम तत्व हैं, इसलिए इनको महादेव कहा गया। उनका भजन करना और कथा श्रवण करना मुक्ति और भक्ति दोनों का द्वार खोलता है। कथा व्यास ने कहा कि शिव आशुतोष हैं, वह थोड़े से जल व विल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को बिना सोचे अपार सुख प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर जो भस्म लगाते हैं वह वैराग्य का प्रतीक होता है। उनके गले में जो सर्प की माला है वह भी वैराग्य का प्रतीक है। उनकी सवारी बूढ़ा बैल भी वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य ही जीवन का सार है, इसलिए भगवान भोलेनाथ जीवों को वैराग्य की शिक्षा अपनी वेशभूषा व रहन सहन से देते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही भजन में मन लगाना चाहिए, तभी हमारा मन वैराग्य की तरफ जाता है। कथा व्यास ने कहा कि भिक्षा मांगने से अहंकार नष्ट होता है, इसलिए भगवान शिव काशी में भिक्षा मांगते हैं। शिव को भिक्षा मांग देखकर उनके ससुर अपने पुत्र मैनाक को रत्नों से भरी गाड़ियां लेकर शिव के पास भेजते हैं। यह देखकर भगवान शिव ने पूरे काशी नगरी को मणियों और हीरों से सजा देते हैं। यह देखकर मैनाक शिव की महिमा को समझ जाता है और उनकी पूजा करने लगता है। तब शिव का नाम रत्नेश्वर महादेव पड़ा। आज भी काशी में इस नाम से शिव जी की पूजा होती है। कथा व्यास ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, मत करना अभिमान रे बंदे, मत करना अभिमान रे, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। संसार तो नदिया है, सुख दुख तो किनारे हैं, डम डम डमरू बजैया रे, सांप गले लटकैया रे। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं, इत्यादि भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी योगी कमलनाथ, वाराणसी से सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, रामानुज त्रिपाठी वैदिक, महंत शिव नारायण दास, यजमान में डॉक्टर संजीव गुलाटी, विकास जाला, अरुण कुमार अग्रवाल, उमेश अग्रहरी, संतोष अग्रवाल, वैश्यनाथ जायसवाल तथा डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, ब्रिजेश मणि मिश्र, डॉक्टर प्रांगेश मिश्र, अश्वनी त्रिपाठी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संदेश सुनाया अपने पिता ब्रह्मा जी का, यज्ञ और आप पधारे, आइए यज्ञ में पधारे, और यह भगवान शिव की कृपा से पूरा हुआ। कहते हैं शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव जहाँ बाबा गोरक्षनाथ की कृपा है, वज्र महाराज जी की कृपा है, वही आनंद, वही मंगल, वही सब कुछ।